वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। है ना बच्चों? तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पहले वाले वीडियो में आ की मात्रा पढ़ी थी, है ना? आपको आई थी समझ में बच्चों? तो आज हम ई की मात्रा पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। ओके, हमने पहले स्वर पढ़े, व्यंजन भी पढ़े, क का की की, ये हम पढ़ना है। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा? क अ की पढ़ी, फिर आ की पढ़ी, और आज हम छोटी ई और बड़ी ई पढ़ने वाले हैं। कैसे? जैसे क के छोटी की मात्रा लगेंगे तो क्या पढ़ेंगे? की, है ना? और बड़ी ई की लगेंगे तो की। ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोनों, छोटी में बड़ी ई में? तो देखो बच्चों, छोटी ई की मात्रा लगती है, जैसे ट है, ट के छोटी की मात्रा लगती है तो क्या बोलेंगे? टी। मतलब ज़्यादा फोर्स हमको जोड़ने देने, और बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो टी। फिर ऐसे उसी पर का प है, प के हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो पी। ब है, ब के छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बी, है ना? चलो हम आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, है ना? शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये क्या है, यहाँ पर हमने लिखा क, क है, और छोटी की मात्रा कहाँ लगती है? यहाँ आगे लगती है, तो ये मैंने इसके छोटी की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? की, है ना? उसी प्रकार देखो ये क्या है, ख, क्या लिखा गया? ये ख, इसको तुमको आता है ना, ख की छोटी की मात्रा ये आगे लगाएंगे तो क्या बनेगा? खी। उसी प्रकार देखो फिर ये च है, तो च की छोटी की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? ची, है ना? देखो फिर आगे देखते हैं, और क्या और बोलो। देखो ये ब है, क्या है? ब, ये ब है ना, और ब के हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये बी। फिर म है, ये क्या है बच्चों? म, म के छोटी की मात्रा लगाएंगे तो मी। आया आपको समझ में? इस तरीके से इसको हम क्या पढ़ेंगे? मी पढ़ेंगे, ये छोटी की मात्रा बड़ी। उसी प्रकार देखो हम अब बड़ी की, छोटी की मात्रा बच्चों कैसी होती है? छोटी की मात्रा होती है ऐसे, ये इसका चिन्ह ऐसा है, और बड़ी की मात्रा का चिन्ह कैसा है? ऐसे, ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी ई और ये बड़ी। अब देखो मैं क के छोटी की मात्रा लगाती हूँ तो हम क्या पढ़ेंगे? जैसे ये क है, ये क्या लिखा मैंने? क, क के ये छोटी की मात्रा लगाए तो की, और फिर से ये क लिखा और ये बड़ी की मात्रा लगाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? की। ये छोटी की मात्रा है की, और ये बड़ी की मात्रा है तो की। आया? अब देखो छोटी की मात्रा में क्या है, देखो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, कैसे लिखेंगे हम? ये देखो की, ये क्या है? त, त क्या की मात्रा लगाए तो ता, और ये ब, तो क्या बन गया? ये किताब, बुक्स होती है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब। ये छोटी की मात्रा। उसी प्रकार और बताओ, देखो ये द है, ये द, द के छोटी की मात्रा लगाए तो दी, फिर ये न, तो क्या बन गया है? दीन, क्या बन गया? दीन, है ना? और देखो और छोटी की मात्रा के शब्द हम देखते हैं, क्या है ये? देखो ये क्या लिखा मैंने? ग, ग के छोटी की मात्रा लगाई तो गी, ल के आ की मात्रा लगाई तो ला, फिर स, तो क्या बन गया? गिलास, बना ना? ओके, तो ये छोटी की मात्रा वाले शब्द हमने पढ़े। चलो आगे और देख लेते हैं इन छोटी की मात्रा। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? देखो ये ट है, ट की छोटी की मात्रा लगाई तो टी, है ना? फिर क ट, तो क्या बन गया? टिकट, क्या कहेंगे इसको? टिकट, है ना? उसी प्रकार देखो आगे देखते हैं, ये दूसरा क्या लिखा गया है?
यहाँ पर लिखा गया है ये किसान है ना। तो देखो ये पहले हम लिखेंगे क, क की छोटी की मात्रा लगाई तो की, फिर स, स के आके मात्रा लगाई तो सा, और फिर न के आके मात्रा लगी तो न, सॉरी न, न के कोई मात्रा नहीं, न के अ की मात्रा, ये न, तो न को बोलने पर अ की आवाज़ आती है ना, तो किसान, तो ये छोटी की मात्रा। फिर देखो आगे देखते हैं, वो उसी प्रकार देखो विमान, व के छोटी की मात्रा लगी तो वी, ये देखो ये व है, व के छोटी की मात्रा लगी तो वी, फिर म के आके मात्रा लगी तो मा, न के कोई मात्रा नहीं तो क्या पढ़ेंगे इसको विमान। फिर देखो ये छ है, छ की छोटी की मात्रा लगाई तो छी, ल का छिलका, ओके। तो जो इस तरीके से ये छोटी ई की मात्रा है। अब देखो चार अक्षर वाले शब्द, तो चार अक्षर में देखो पहले क्या लिखा गया, ये ग है, ये हमने ग लिख दिया, फिर ग के छोटी की मात्रा लगाई दी तो गी, फिर ये र, र के कोई मात्रा नहीं है, फिर उसी प्रकार देखो ग के और मात्रा गी, फिर ये ट, तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो बच्चों इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले ये दो शब्द पढ़ेंगे गिर गिट, क्या पढ़ा जाएगा गिर गिट है ना। उसी प्रकार देखो आगे और मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है, और देखो झ, ये झ लिख दिया मैंने, फिर कौन सी मात्रा है छोटी ई की तो जी, फिर ये क्या ल, फिर ये म, म के भी छोटी की मात्रा, फिर ल, तो इसको क्या पढ़ेंगे झिलमिल, क्या पढ़ा जाएगा इसको झिलमिल। तो बच्चों आया छोटी की मात्रा आपको समझ में, है ना। अब उसी प्रकार देखो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, देखो बच्चों हमने छोटी की मात्रा पढ़ी, उसी प्रकार हम बड़ी की मात्रा पढ़ते, देखो बच्चों उसी प्रकार देखो ये क्या लिखा मैंने, ये लिख दिया ख, ख के बड़ी की मात्रा लगाई तो खी, फिर ये र, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम खीर, क्या पढ़ा जाएगा खीर, है ना। उसी प्रकार देखो ये मैंने क्या लिखा, ज, ज के बड़ी की मात्रा और फिर त, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम जीत, क्या पढ़ा जाएगा इसको जीत। देखो उसी प्रकार फिर मैं फिर से लिखती हूँ, बोलो ये क्या लिखा मैंने, ग लिखा ना, फिर ग के बड़ी की मात्रा लगा दी तो गी, फिर ये त, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको गीत। फिर देखो इसी प्रकार ये क्या लिखा मैंने, र, र के आ की मात्रा लगा दी तो रा, फिर ये न, न के बड़ी की मात्रा तो रानी लिखा। फिर देखो उसी प्रकार देखो ये क्या लिखा गया है, प, प के आ की मात्रा लगाई तो पा, फिर न, न के बड़ी की मात्रा लगाई तो पानी है ना। फिर देखो मैं आगे वो लिखती हूँ, ये क्या लिखा मैंने, स, र, का, क क्या की मात्रा लगाई तो का, र के बड़ी की मात्रा लगाई तो री, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, स, र, का, री, सरकारी। फिर से एक लिखती हूँ, देखो ब, र, सा, स क्या की मात्रा लगाई तो सा, त के बड़ी की मात्रा लगाई तो ती, बरसाती, है ना बच्चों, आया आपको समझ में। अब देखो फिर आगे हम दूसरी शब्द, फिर देखो बच्चों ये क्या लिखा गया, घ, घ के फिर ड, ड के बड़ी की मात्रा लगाई तो डी, तो घ डी, घड़ी। फिर देखो ये क्या है, छ, छ, और ये ड के बड़ी की मात्रा लगाई तो डी, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको छड़ी, है ना। फिर उसी पर देखो लड़ी, कड़ी, पड़ी, ओके। अब देखो चार अक्षर वाले शब्द, देखो यहाँ पर
चार अक्षर वाले भी, देखो ये तीन अक्षर वाले, अ म के बड़ी की मात्रा लगे तो मीर अमीर है ना। उसी प्रकार देखो क मी ज कमीज, कमीज किसको बोलते हैं, जो हमारा शर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, कमीज बोला जाता है। ठीक, उसी प्रकार देखो गरीब गरीब है ना। फिर उसी प्रकार देखो ये चार अक्षर में देखते हैं, देखो ख लिखा गया है फिर र लिखा गया है, र में बड़ी की मात्रा लगाई तो ख री द की आ की मात्रा तो दा, ख री दा र खरीदार। फिर फूल वारी फुलवारी, फिर ब र सा ती बरसाती है ना बच्चों। तो बच्चों आज हमने दो अक्षर सॉरी छोटी की मात्रा भी पढ़ी और बड़ी की मात्रा भी पढ़ी है ना, आपको समझ में आई बच्चों? दोनों मात्राएं हमने पढ़ ली, आपको समझ में आई ना, ये छोटी की मात्रा भी बड़ी की मात्रा भी। ओके, तो इन सभी शब्दों को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, वो भी बोल बोल कर लिखना है। ओके बच्चों, वीडियो को देखना और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखना और वीडियो को लाइक भी करना। ओके, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।